जैसे वो एक रोगी था बट ही इज लाइक ए फैमिली मेंबर, उतना ही दुख होता है जितना कि इंसान के जाने से होता है, क्योंकि बचपन से उसको इतने प्यार से पालते हैं एंड देन कोई हराम को उसे गाड़ी से चढ़ा के उनको मार जाता है, बेजुबान जानवरों को। क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों को जिनमें दया भाव नहीं होता है। इतना बड़ा जानवर उसको दिखा नहीं, अंधा हो गया था। टेन? क्या बच्चे कल से खाना भी नहीं खा रहा? अरे टेन टेन नींद आने लग रही है, सो गया क्या है? छोटा सा बच्चा था जब मैं मिकू को लेके आया था, बहुत ही छोटा था, एज यू कैन सी इन प्रीवियस वीडियो। उसके साथ खेलना, उसके साथ रहना, उसकी हरकतें, और हमेशा शरारत करता रहता था, हमेशा जुबान पर उसका नाम होता था। से ऐसे ही बैठा है, ना कुछ खा रहा है ना और कुछ। एंड इमोशनलेस पीपल जो होते हैं उनको जानवरों से कंपेयर किया जाता है, बट दे डोंट नो दैट इंसानों से ज़्यादा समझते हैं। मैंने कभी इनको कुछ सिखाया नहीं है, पर मेरी प्रोटेक्शन, मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इवन एक बार ऐसा भी हुआ था कि बाहर के कुत्ते आ गए थे, एंड वैसे तो ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखता है, पर उस दिन मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था उस दिन। उस बाहर के कुत्ते आए हुए थे और इसे लगा कि शायद वो मुझे काट लेंगे। उसने उस कुत्ते के यहाँ गर्दन पे ऐसे पकड़ लिया अपने मुँह से और छोड़ नहीं रहा। इवन ऐसा हो गया था कि अगर ये 2-3 मिनट और पकड़ लेता तो वो मर जाता। हमारे जो गार्ड हैं वो लाठी लेके आए, इसको मार रहे थे, इवन इसके पैर पे चोट भी लग गई थी, लंगड़ा के चलने लगा था ये, बट स्टिल इसने छोड़ा नहीं था, बहुत ही मुश्किल से इसने उसको छोड़ा था। उस दिन मुझे पता चला कि अगर ऐसा कभी हुआ कि कोई मुझे मार रहा है या मरने की कोशिश करेगा तो ये छोड़ेगा नहीं उसको। जैसे हम प्यार करते हैं इसे टिनटिन को, मेकू को करते थे, वैसे ही ये भी हमें करते हैं एक फैमिली की तरह। और ये रियलिटी है कि आप जो भी अपने पेट्स रखते हो घर में वो उसे अपना ही घर मानते हैं और आपको एक अपनी फैमिली मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, या बहुत ऐसे लोगों ने कहा भी हमें कि इन डॉग्स के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल के मत रहो, ये कुत्ते हैं इनको कुत्तों की तरह रखो, बट ऐसा कभी नहीं किया हमने, क्योंकि
कि अगर हम इनको पाल रहे हैं तो हम अच्छी तरह से रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। मतलब रखने का फ़ायदा क्या है कि आप दो रोटी इनको दे दो, उसके बदले में ये आपकी प्रोटेक्शन करें या कुछ भी करें, और फिर आप ये चाहते हो कि आप कुछ ना करो इनके साथ। मतलब जानवरों जैसा बिहेव करना क्यों, इससे अच्छा पालो ही मत। बहुत ऐसे लोग हैं जो पाल तो लेते हैं लेकिन उनकी देख रेख नहीं करते, मारते पीटते भी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उनका ख्याल नहीं रख सकते तो पालो मत। और एवरीबॉडी नोज डॉग से ज़्यादा लॉयल कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। एंड आप लोगों का पता नहीं, पर मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वो टिनटिन है, मेरे साथ रहता है कॉलोनी में। और पहले इधर उधर घूमेगा, बंदरों को भगाएगा, उसके बाद मुझे देखेगा कि मैं टहल रहा हूँ यहाँ पे, तो आके बैठ जाएगा बस। मैं जब तक ये वहाँ से नहीं जाएगा जब तक मैं खुद वापस ऊपर नहीं आ, मतलब घर पे नहीं आता, तब तक बाहर बैठा रहेगा, देखता रहेगा मुझे। एज यूजुअल मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों कोचिंग सेंटर गए हुए थे। एंड छोटी सिस्टर मेरी वो घर थी। एंड सडनली इसका कॉल आता है कि रो रही थी। एंड इसका कॉल आया कि भाई मिक्कू की डेथ हो गई। तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम वैसी हो गई होगी, बेहोश हो गया होगा या और कुछ हो गया होगा। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि जल्दी चलते हैं एंड उसको डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। पर यहाँ के देखा तो किसी ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। लोगों को दिखता नहीं है, इतना बड़ा जानवर आगे आ रहा है पर उसको उनको दिखता नहीं है। जानवर है इसलिए, कोई इंसान होता तो क्या तब भी ऐसे चढ़ा देते हैं। इंसान की वैल्यू है बट इन बेजुबानों की कोई वैल्यू नहीं। देखो इसे क्या कहना चाहो, ना कल से खा रहा है ना कुछ पी रहा है। इवन ये दूध के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था पर आज कुछ नहीं, बस ऐसे ही पड़ा है। चलो मान लिया मैंने कि हो सकता है कि स्पीड में ज़्यादा हूँ, ब्रेक नहीं लगी। यार देख तो सकते थे, सामने रोड बिल्कुल सीधा रोड है, ये भी नहीं कि मोड़ था, नहीं दिखा। छोटे बच्चे की तरह उसको पाला था, बड़ा हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, ये जो वीडियो है जो देखेंगे लोग, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखें जैसे आप अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, वैसे ही इन बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखें। इस दुनिया में, इस धरती पे हर एक जीव की वैल्यू है एंड यू मस्ट केयर देम।